अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर पंच परमेश्वर महासम्मेलन का आयोजन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो है वो इस मंच से दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि अब से दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और भाजपा यहां से संकल्प ले रही है कि आने वाले एमसीडी चुनाव के अंदर भाजपा की सरकार एमसीडी में बनेगी। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग जो है वो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर आए हैं और मंच से ये तमाम कार्यकर्ताओं से ये कहा जा रहा है कि आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर एकदम यहाँ से संकल्प होकर जाए, ये संकल्प लेकर जाए कि जो चुनाव आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो ये कार्यकर्ता जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं वो बनाएंगे और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनको भी अभी लोगों को संबोधित करना है। और जिस तरीके से आप भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ दिल्ली की जनता है और आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर जो बिगुल है वो बज चुका है ऐसा माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाकर एक संकल्प लेकर के यहाँ आए हैं। मुझे ये उत्सव का माहौल दिख रहा है। देश को भी बताना चाहता हूं कि जो पार्टियां इतनी बड़ी संख्या में जनसभा नहीं कर पाती है उतनी तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। क्या लगता है आगामी चुनाव में जनता जो है दिल्ली की वो साथ देगी भाजपा का? अरे आपने देखा नहीं, लाखों लोग रामलीला मैदान में थे और उससे ज़्यादा लोग रामलीला मैदान के बाहर थे। कमाल का उत्साह था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। नगर निगम के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनकी पार्टी के नेताओं को भाजपा के कार्यकर्ता उखाड़ फेंकेंगे और चौथी बार दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है, चाहे वो शराब घोटाला है, चाहे वो बिजली घोटाला है, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला है, चाहे वो डीटीसी का घोटाला है। अब मनीष सिसोदिया ने शराब के ठेकेदारों से हजारों करोड़ रुपया लेकर अरविंद केजरीवाल तक पहुँचाया है। इस नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत दिल्ली के लोग जब्त करा देंगे। 100 वर्ष की हमारी बूढ़ी माँ के लिए ऐसी बात कही है। इससे पहले भी वो लगातार इस प्रकार के घृणित बयान देते रहे हैं और हमारी आस्थाओं के केंद्र पर भी हमेशा सवाल उठाते रहे हैं, चाहे श्री राम मंदिर ही क्यों ना हो। आज वो बहुरूपिया की तरह वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली उनसे संभल नहीं रही, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगरी बना दी, यमुना जी साफ की नहीं, हर घर में नल जल पहुँचाया नहीं, लेकिन वहाँ जाकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आज हमारे वरिष्ठ नागरिक एक पेंशन के लिए तरस रहे हैं जो 4 वर्षों से नहीं की है और वहां जाकर वो बहुरूपिया बनकर नए नए वादे कर रहे हैं। खाली हो गई जी, लाख हो गया जी बंदा। कार्यकर्ता इकट्ठे होने एक मंच पे बहुत मुश्किलें, रैलियां तो किसी तरीके से जुगाड़ कर लेती हैं पार्टियां, लेकिन सिर्फ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए ये बहुत बड़ी बात। देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एक प्रधानमंत्री जी हैं जो कि महिलाओं की रक्षा सुरक्षा और मान सम्मान की बात करते हैं और देश की सभी महिलाओं की और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग महिलाओं की, और उनकी माता के प्रति इस तरीके की भाषा प्रयोग करना एक फ्रस्ट्रेशन दिखाता है गोपाल, जैसे लोगों के मन में जो निरादर का भाव है। मुझे नहीं लगता कि अगर वो अपनी माँ से भी बात करते तो वो भी इस प्रकार की कोई आज्ञा देती, और ये बताता है कि जो गुजरात की महिलाएं हैं, देश की महिलाएं हैं, वो इसका पूरा जवाब देंगी, पुरजोर जवाब मिलेगा। जितना भीड़ देख रहे हैं इससे कम से कम 1.5 गुना भीड़ अभी सड़कों पे है जो कि दिल्ली के अलग अलग विभिन्न जगहों से आ रहे हैं, अभी पहुंच नहीं पाए हैं। और लाखों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के पंच परमेश्वर कार्यकर्ता आए हैं। ये पब्लिक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं।
भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी शक्ति है उसके कार्यकर्ता, उसके पंच परमेश्वर है। पोलिंग बूथ से 5 पंच परमेश्वर आए हैं जिसमें महिला भी शामिल है। ये हमारी वो ताकत है जब चुनाव होता है, चुनाव के दिनों में एक एक घर पर जाके प्रचार करना, एक एक को भाजपा की नीतियों के विषय में बताना, उनको बताना कि हमने क्या काम किए हैं, उनको बताना कि क्या काम करने वाले हैं। भाजपा हमारे दिल में है, भाजपा हमारे माथे पर है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाजपा को अपना अंग वस्त्र भी बनाया जाए। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताएगी, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात से, एक नज़र आप अपने कैमरे के पीछे तक घुमाएंगे उससे पता लग जाता है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि जितने लोग उनकी पूरी पार्टी में होते हैं उतने तो हमारे यहाँ एक सम्मेलन के अंदर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, लोगों के दिल में राज करती है। भारतीय जनता पार्टी जनादेश की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर थोपी नहीं गई है। लोग दिल से भाजपा को प्यार करते हैं, विचारों की पार्टी है। औरतों का जो सम्मान, औरतों की जो सुरक्षा, जिन चीज़ों का हम प्रचार करते हैं उसको हम चरितार्थ भी करते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा ने कहा है कि दिल्ली की जनता जो है वो अब आगामी एमसीडी चुनाव में केजरीवाल को, यानी दिल्ली सरकार की मौजूदा सरकार को जवाब देगी, और दिल्ली में चौथी बार फिर से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ में जिब्रान जर्रार खान, न्यूज 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।